सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। पहला सवाल, क्या आर्टिकल 370 अस्थाई है या इसे संविधान में स्थाई आर्टिकल का दर्जा मिला है? क्या जम्मू कश्मीर राज्य को आंतरिक संप्रभुता मिली हुई है? इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान है, ये एक अंतरिम व्यवस्था थी ताकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा बन जाए और ये भारतीय संविधान को रेक्टिफाई करे। जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 3 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य भारत संघ का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत जो कि इंडिया है राज्यों का एक संघ होगा। दूसरा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा की जगह राष्ट्रपति का काम करना यानी केंद्र सरकार का काम करना संवैधानिक रूप से वैध है? हालांकि राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति के एक्शन की सीमाएं होती हैं, इस केस में पहली नजर में ये नहीं लगता कि राष्ट्रपति का आदेश गलत इरादे से जारी किया गया हो या उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया हो। तीसरा सवाल, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बिना क्या 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो भी किया वो वैध है? चौथा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संविधान के आर्टिकल 3 और पार्ट 3 का उल्लंघन करता है? सीजीआई ने इस पर कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने जवाब में बताया है कि जम्मू कश्मीर का राज्य दर्जा जल्द बहाल किया जाएगा, राज्य के स्टेटस को अस्थायी रूप से बदला गया है। पांचवा सवाल, क्या आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करके आर्टिकल 370 की व्याख्या बदलना वैध है? सीजीआई के मुताबिक सरकार ने इसके लिए तय कानूनी प्रक्रिया अपनाई थी। आर्टिकल 370 में संशोधन से पहले 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 पास किया गया था। इसके जरिए दो प्रावधान किए गए। पहला, जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को संपत्ति खरीदने से रोकने वाला कानून आर्टिकल 35A खत्म कर दिया गया है। दूसरा, भारत के दूसरे राज्यों पर लागू होने वाले संविधान को कश्मीर में भी लागू कर दिया। केंद्र ने आर्टिकल 370 में बदलाव से पहले आर्टिकल 367 के चौथे क्लॉज के जरिए दो बातें जोड़ी हैं। पहली, जम्मू कश्मीर सरकार का मतलब राज्यपाल होंगे और जम्मू कश्मीर के संविधान सभा का मतलब यहाँ की विधानसभा है। दूसरी, राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा की जगह संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं।